वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट अ मिनट गाइस, लिंक शेयर हुआ नहीं है सब ग्रुप्स में शायद, एक बार मुझे चेक करने दो। मैं सब तरफ एक बार लिंक डाल दूँ फिर से, थोड़ा इशू आ रहा है नेट का, व्हाट्सएप का शायद। ओके, आई थिंक अब लिंक आ गई सब तरफ। अभी भी कुछ कुछ ग्रुप्स में जा नहीं रहा है लिंक। वन में चला गया, 10 में चला गया, 9 7 7 7 पेंडिंग है। ओके, चला गया सब में, बढ़िया। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। लाइक ठोको फटाफट। अब डाल देता हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, सॉरी नहीं नहीं क्या कहते हैं इसको, टेलीग्राम पे। ठीक है, देख लेते हैं डेप्रिसिएशन में क्या गलती हुई थी। नेक्स्ट ये लाइक ठोको रे जल्दी जल्दी। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है आज। चलो शैल वी बिगिन। भगवान भगवान गर्मी, भगवान गर्मी। अरे फीवर, हेडेक, बॉडी एक, सब कुछ जा चुका है, सब कुछ, कुछ भी नहीं है सिवाय सर्दी के। दैट्स इट।
ठीक है, चलो चलो, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया है लिंक आपने, आई होप। हाँ वेरी गुड मधुर, वेरी वेरी गुड, दो बार में हो गया, हो गया, बट दैट्स द स्पिरिट। नहीं हो रहा है तो हम फिर से ट्राई कर रहे हैं, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। दो बार में हो जाए या तीन बार में हो जाए, सर्दी मेल है या फीमेल, आई डोंट नो, मोस्ट प्रोबेबली फीमेल ही होगी जिस हिसाब से उसने पीछा किया है, पीछा रही छोड़ रही। तो यस चलो आ जाओ। अरे ये कहाँ से खुल गया? आ जाओ। आ, हम सॉल्व कर रहे थे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन, हमें सॉल्व करना है प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन। वेरी गुड, संस्कार, संस्कार का भी होमवर्क डन है। 50 फीमेल को लेकर घूमने में नहीं हुआ बे। अरे बेशर्मो, एक नंबर के मैड हो तुम लोग, मैड मतलब कुछ भी बात कर सकते हो। चलो मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करें, मुद्दे की बात करते हैं, है ना। मुझे बताओ सबसे पहले, होमवर्क किसने किसने किया है, होमवर्क किसने किसने किया है, टैली हुआ हो नहीं हुआ हो बात की बात है। जब आई वॉन्ट टू सी कि कितने लोगों ने, आप में से कितने लोगों ने दिल से उसको ट्राई किया है। चलो जल्दी बताओ। डालो जल्दी जल्दी डालो। अबे रिश्ता वो नहीं रहे, वो मुद्दा की बात वो नहीं है साले। अरे किया, वेरी गुड वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। वाह 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 जतिन वाह, दिल और दिमाग जब साथ में आए ना तब मज़ा आ जाता है। तो सिर्फ दिमाग से, सिर्फ दिल से काम नहीं करना, दोनों होने चाहिए। चलो फिर, चलो चलो चलो, तो मैं स्टार्ट करूँ सॉल्व करना, मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूँ, मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं वो बोलो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन मैं सॉल्व करूं या नहीं करूं वो बोलो मुझे। अरे ये तरुण मेरी मम्मी को क्या शिकायत करेंगे। मुझे बोलो, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर वन मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत है क्या? सॉल्व करो, ठीक है चलो कर देते हैं। अनमोल ने कहा है सर प्लीज़ कर दीजिए, हमको और समझ में आ जाएगा अच्छे से। राहुल यादव का करना है कि सर कैन यू प्लीज़ सम इंफॉर्मेशन, व्हाट इंफॉर्मेशन यू वांट बेटा टेल मी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फॉर्मेट बना लेता हूँ। ये है आपका ट्रेडिंग अकाउंट,
ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाने की ज़रूरत है। बनाता हूँ मैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आइटम्स हैं। चलो लेट अस बिगिन। पीडीएफ खोल लेता हूँ मैं अपने पास एक बार। कोशिश करते हैं आज चैप्टर खत्म करने की। अब मीटिंग बेटे आज लेक्चर रख लिया ना तो फिर मीटिंग के लिए समय नहीं मिल पाएगा। फैन तेज करके आता हूँ, रुको जरा गर्मी हुई। आ जाओ लेट अस बिगिन। प्रॉफिट छुट्टी किस चीज की? प्रॉफिट चलो अगर फालतू सब चीजें खत्म हो गई होगी तो लेट अस बिगिन विद द सम। स्टार्ट करें? स्टार्ट कर रहा हूं, जल्द ही स्टार्ट होगा राहुल यादव, जल्द ही स्टार्ट होगा, जल्द ही पता चलेगा आपको। आज सबसे पहले दिया है इन्होंने गांगुली कैपिटल अकाउंट, तो सबसे पहले आते हैं बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में लिखता हूं कैपिटल 5 लाख 40,500 है। इनर कॉलम में लिख दिया मैंने 5,40,500 है। सब मेरे साथ सॉल्व करेंगे। स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। आ जाइए यहाँ पर, यहाँ पर मैं लिखूँगा टू ओपनिंग स्टॉक 2,34,000। डन। इसके बाद आता है आपका सेल। यहाँ पर लिखता हूँ मैं बाय सेल 14,48,000 लेस रिटर्न्स 43,000। बराबर। सेल में और कोई एडजस्टमेंट है क्या? 2 घंटे चलेगी मैकपी। सेल में एक और एडजस्टमेंट है अपने को, सेल में एक और एडजस्टमेंट है, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का एक एडजस्टमेंट है, तो और एक लाइन छोड़नी पड़ेगी सेल के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक काम करते, इसका कैलकुलेशन लिख लेता हूँ। फोर्टीन लैख फाइव थाउजेंड
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेल रिटर्न के बाद परचेसेस 12,15,500, 12,00,000 जगह कम पड़ गई यहाँ पे। रिटर्न्स 29,000, 12,15,000 माइनस 29,000, खत्म। फिर आता है आपका कैरिज इनवर्ड, एडजस्टमेंट लाइन छोड़ना पड़ेगा। नाइन्टी 3,000 टू रेंट, फिर अपन रेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक लाइन छोड़कर लिखता हूँ टू रेंट। रेंट में एडजस्टमेंट है क्या? नहीं है। ट्वेंटी 8,500 डन। नेक्स्ट है सैलरीज, आई थिंक सैलरीज में भी एडजस्टमेंट नहीं है, नहीं है। 46,500 है डन। ठीक है, देखो ये डन 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 ऐसे नहीं होगा। इतना परेशान कर रखा है सर्दी ने, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है सर्दी से। हाँ आ जाओ, 11,86,500 आएगा क्या? डन। अब देखते हैं अगला, सन्ड्री डेटर्स है 1,20,000, बैलेंस शीट में आओ। चार लाइन छोड़ दूंगा,
चार लाइन छोड़ूंगा, दो एडजस्टमेंट है डेटर्स में, दो एडजस्टमेंट है। ठीक है, क्रेडिटर 74,000, कैपिटल के बाद भी चार पांच लाइन छोड़कर लिखता हूं मैं। क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है 24,000, ओ 74,000 सॉरी। एक लाख का लोन है, लोन फ्रॉम देना बैंक लिमिटेड है, एक लाख का लोन आ गया। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट पेड 4,500 है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं। ठीक है, इसमें एडजस्टमेंट है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 17,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं, सीधा आउटर कॉलम। एडवर्टाइजमेंट 56,000, ठीक है, इंटरेस्ट रिसीव 7,250, कैश इन कैश विथ बैंक 40,000, चालीस हजार डन। डिस्काउंट रिसीव्ड 14,950, हैंडराइटिंग भी अच्छी नहीं आ रही आज। ₹950, ठीक है, ये क्या है, इन्वेस्टमेंट 25,000, फर्नीचर 9,000, दो एडजस्टमेंट है, तीन लाइन छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए, तीन चार छोड़ दो, दो एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट 37,700 डिस्काउंट डाला होगा, जनरल एक्सपेंस 19,600 है,
ऑडिट फीस 3,500। फायर इंश्योरेंस प्रीमियम 3,000। ट्रैवलिंग एक्सपेंस 11,650। पोस्टेज टेलीग्राम 4,350। ट्रैवल हैंड 1,900। एक लाख 50,000 डिपॉजिट। ड्रॉइंग्स 50,000। हाँ, आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। बोलो, यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलो, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? जल्दी डाउट नहीं है, एडजस्टमेंट्स पे आगे बढ़ना है तो बोलो जल्दी। मुझे आगे बढ़ना है तो बोलो मुझे जल्दी। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? बोलो जल्दी। नहीं तरुण, आज मीट पे मीटिंग नहीं होगी, नेक्स्ट संडे। नोट कट्टा टुडे, कट्टा नेक्स्ट वीक। कैपिटल के और एडजस्टमेंट है ना? अरे मैंने बाहर लिख दिया क्या? 4,9,500। हाँ, लिखना था, मैंने बाहर लिख दिया। चलो, एडजस्टमेंट्स पे आते हैं। सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक 3,93,000। एसेट्स में स्टॉकिंग ट्रेड 3,93,000। बोलो डन है यहाँ तक?
दिस इंक्लूड्स गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स ऑन 31 मार्च टू वैल्यू 15,000। कस्टमर ने गुड्स रिटर्न किए थे 15,000 के, तो देखो इसे हमें क्या करना है, सेल ऑन रिटर्न बेसिस आपको याद है, यहाँ पे मैंने एंट्री बता दी आपको, देखो सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, बराबर है। तो यहाँ पर फिर से मैं लिखूँगा माइनस रिटर्न्स 15,000, ठीक है। तो 14,05,000 माइनस 15,000 कम्स टू 13,90,000, ठीक है। इसके अलावा इसे हमें डेटर्स से भी माइनस करना है, कितना हो जाएगा 1,05,000, बराबर है यहाँ तक। ये आ गया सर, ये आ गया, ठीक है, डन। आगे बढ़ते हैं, परचेजेस इंक्लूड फर्नीचर परचेस्ड ऑन 1 जन 2020 फॉर 10,000। फर्नीचर इंक्लूड्स परचेज इंक्लूड्स फर्नीचर परचेज 10,000, परचेस इंक्लूड्स लेस फर्नीचर, यहां से 10,000 माइनस होगा, ये हो गया आपका 11,76,500, बराबर है। और ये 10,000 ऐड हो जाएगा आपका फर्नीचर में, फर्नीचर में प्लस परचेसेस 10,000, मतलब आपके पास टोटल फर्नीचर है 19,000 का। वेरी गुड इंडियन एजुकेशन, डन। नेक्स्ट, अब बोलते हैं फर्नीचर पर डिप्रेशन लगाओ 10%। आ जाओ, ₹1900, ₹17,100 डिप्रेशन आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, डिप्रिसिएशन ₹1900, ठीक है। फर्नीचर में तो ऐड किया ना बेटे, माइनस थोड़ी ना किया मैंने, देखो 9,000 प्लस 10,000 19,000 होता है। एक मिनट, एक मिनट, फर्नीचर परचेस्ड कब है वो देखने दो, एक बार डेट की गलती होगी शायद। हाँ, 1 जन 20 को परचेस किया 10,000 का फर्नीचर। देखो देखो डिप्रिसिएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिप्रिसिएशन में थोड़ा सा चेंज आएगा, डिप्रिसिएशन में क्या चेंज आएगा देखो ध्यान से। डिप्रिसिएशन हमारे पास दो है, एक 9,000 का एक फर्नीचर है और एक 10,000 का फर्नीचर है। इसके ऊपर 10% से ₹900 आएगा, इसके ऊपर 10% आएगा, बट इंटू 3/12 आएगा सिर्फ, 10,000 इंटू 250 आएगा बेटे, ठीक है। 250 प्लस 900 इज 1,150,
अब ठीक है। डिप्रेशन क्लियर है सबको? 900 प्लस 250, क्योंकि जैन में परचेज किया है, सिर्फ 3 मंथ्स का डिप्रेशन लगेगा। कितने मंथ्स का डिप्रेशन लगेगा? 3 महीने का। ओके नेक्स्ट। लोन, लोन का देखो, टोटल लोन है 6,000 का, 1 लाख का, उसके ऊपर इंटरेस्ट बनता है 6,000 रुपये। इंटरेस्ट कितना बनता है? 6,000, बराबर। यहाँ पर एक और चीज़ थी देखना है, यहाँ पे इंटरेस्ट पेड इंक्लूड 3,000 पेड टू देना बैंक, मतलब 4,500 में से हमने 3,000 देना बैंक को दिए हैं। बट देना बैंक को देने कितने थे? 6,000 देने थे, हमने 3,000 दिए, तो 3,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो यहाँ पर आ जाओ, प्लस आउटस्टैंडिंग 3,000, ये हुए 7,500। डन। और लाइबिलिटीज में आते हैं, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट आ जाएगा 3,000। डन। अगर हम देखेंगे तो ये वाला एडजस्टमेंट भी डन है। यहाँ पर देखो इन्होंने कहा है प्रोवाइड फॉर इंटरेस्ट पेबल भी डन। ठीक है, नेक्स्ट। सन्ड्री डेटर्स इंक्लूड 20,000 ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट, क्रेडिटर्स इंक्लूड 10,000 ड्यू टू हिम, 10,000 अमाउंट है। डेटर्स में आओ, लेस ड्यू फ्रॉम रॉबर्ट 10,000, लेस ड्यू टू रॉबर्ट 10,000, 64,000 आ गया ये, बराबर है। ये भी डन। इंटरेस्ट पेड इंक्लूड वाला भी डन। इंटरेस्ट रिसीव्ड रिप्रेजेंट्स 1,000 फ्रॉम सन्ड्री डेटर्स ड्यू टू डीले ऑन देयर पार्ट एंड द बैलेंस ऑन इन्वेस्टमेंट एंड डिपॉजिट्स। तो इसका इंटरेस्ट रिसीवेबल कितना कैलकुलेट किया था हमने? टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड है 6,250, रिसीवेबल था 16,250, यानी कि 10,000 आने बाकी है। इंटरेस्ट रिसीवेबल ये हुआ आपका टोटल 17,250 रुपये। ठीक है, और एसेट्स में आते हैं, इंटरेस्ट रिसीवेबल 10,000। ठीक है, नेक्स्ट। ये भी डन। एड भी डन। देखो इंटरेस्ट रिसीवेबल वाला, मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल 5%। आ जाओ, 1,05,000 माइनस 10,000 इंटू 5%, 4,750 लेस आरडीडी, ये हुआ आपका 90,250, बराबर। एंड आरडीडी आ जाएगा आपका 4,750 खत्म।
आरडीडी कैसे आया है वो सबको समझ में आ गया। यहाँ पे कैलकुलेशन दे देता हूँ। टोटल डेटर्स थे 1,20,000 के, माइनस 15,000 रिटर्न के, माइनस 10,000 कॉमन डेटर इंटू 5%। बोला है तो क्लियर है। सारे एडजस्टमेंट क्लियर है क्या बोलो? तो अगले सम पे बढ़ते हैं आगे। क्लियर? ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट और टैली। वेरी गुड मुस्कान। 2,79,500, 70,500 एंड 7,28,000। हाँ टैली रहने दो, अभी वो टैली तुम कर लेना घर पे, मैं सम पे जा रहा हूँ अगले। टल्ली है, टल्ली है, यस टल्ली। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 7, जो बैलेंस रखा था हमने, एक थोड़े से अलग सम है। सोल प्रोपरेटर से रिलेटेड ही है बट नॉट एज सच रिलेटेड, के मतलब थोड़ा सा टाइप अलग हो जाता है उसका। मेरा इस क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आता है, इस चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा बेटे। या तो 10 मार्क का होगा या तो 15 मार्क का होगा। आ जाओ। द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2019 वॉज एज फॉलोज। ट्रेड पेबल्स 15 लाख, एक्सपेंस पेबल 1,50,000, कैपिटल 50 लाख, प्लांट एंड मशीनरी 30 लैक्स, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख, ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख, कैश एट बैंक 6,50,000, इन्वेंट्री 13 लाख। बराबर, एक जीरो एक्स्ट्रा प्रिंट हो गया शायद वहां पे। ड्यूरिंग 1920 हिज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिवील्ड अ नेट प्रॉफिट ऑफ 18,30,000। दिस वॉज आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग, आफ्टर अलाउिंग फॉर द फॉलोइंग, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट,
डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर, अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एट 5% ट्रेड रेशियो 31 मार्च 2020। बट देखना, ये सारी चीज़ें कंसिडर्ड है। रेंट रिसीव्ड ऑन प्रॉपर्टी ये प्रॉफिट में आ चुका है, ये डेप्रिसिएशन चार्ज हो चुका है, प्रॉफिट से माइनस हो चुका है, ये भी आरडीडी 5% माइनस हो चुका है। ठीक है, हु इज अ सोल प्रो, वाह, ओ भाई साहब शुभम साहू, सोल प्रोप्राइटर, वन मैन आर्मी, जो अकेला एक बंदा एक कंपनी चलाता है, एक अकेला बंदा जो खुद का बिजनेस करता है। शुभम मजाक कर रहा तू मेरे साथ यार? यार अपने को ये, अगर जो 12th स्टैंडर्ड में अगर आपका स्टेट बोर्ड रहेगा तो, या जो भी रहेगा, आपको बीएसटी सब्जेक्ट था, बीएसटी सब्जेक्ट में आपको पढ़ाए गए थे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, सोल प्रोप्राइटर फॉर्म, सोल प्रोप्राइटर, उसके बाद दो लोग मिलकर बनाते हैं पार्टनर, दो या दो से ज़्यादा मिलकर बनाते हैं पार्टनरशिप फॉर्म, फिर आता है आपका जॉइंट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, फिर आता है आपका क्या कहते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी, ऐसे है ना बेटे? एक अकेला बंदा जो बिजनेस कर रहा है, खुद का बिजनेस कर रहा है, उसको हम सोल प्रोप्राइटर कहते हैं। डरता नहीं है शुभम यार, व्हाट्सएप पे वैसे डाल देता है एक आधी बार, मेरी बेइज्जती करा दी तूने यहाँ पे। ओके, बट व्हाइल प्रिपेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर व्हाट, देखो ये उसने प्रोवाइड नहीं किया है, बराबर, ये प्रोवाइडेड, ये नॉट प्रोवाइडेड, नॉट प्रोवाइडेड, ठीक है, बट वाइल प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही हैड फॉरगॉटन टू प्रोवाइड फॉर फर्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस टोटलिंग 1,80,000, प्रीपेड इंश्योरेंस टू द एक्सटेंट 20,000, ठीक, करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज ऑन 31 मार्च, इन्वेंट्रीज 14,50,000, ट्रेड रिसीवेबल 20,00,000, कैश एट बैंक, ट्रेड पेएबल, ड्यूरिंग द ईयर ही विड्रू 6,00,000 फॉर डोमेस्टिक यूज, ड्रॉ ऑफ हिज बैलेंस शीट एट द एंड ऑफ द ईयर। देखो ध्यान से समझना, बैलेंस शीट ये कब की बैलेंस शीट है, ये 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट है, कब की बैलेंस शीट है, 1 अप्रैल 2019 की, ठीक, 1 अप्रैल 2019 की बैलेंस शीट है, और हमें चाहिए क्या, ड्यूरिंग 1920 हिज प्रॉफिट इज 18,30,000, जो उसने कैलकुलेट किया 1920 पूरा ईयर खत्म हो चुका है, खत्म होने के बाद, ये आपको बैलेंस शीट ध्यान से समझना, ये आपको ओपनिंग बैलेंस शीट दी हुई है भाई साहब, ये आपकी ओपनिंग, क्या हो रहा है इसको, ओपनिंग बैलेंस शीट दी है, उनको रिक्वायर्ड क्या है, नंबर वन उनका रिक्वायरमेंट है बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2020, बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2020। नंबर टू, इनडायरेक्टली उनको करेक्ट प्रॉफिट चाहिए, देखो ये प्रॉफिट जो है, दिस इज आफ्टर प्रोवाइडिंग ABC, बट उन्होंने कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड ही नहीं की है, प्रोवाइड नहीं की है, ठीक है, तो करेक्ट प्रॉफिट निकालना भी हमारे लिए ज़रूरी है। तो करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए, जब इसने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया है, मतलब क्या कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लिया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर इसने बना लिया है तो हमें अब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, आ जाओ बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट।
अरे यार क्यों कर रहे भाई। अरे एडजस्टमेंट अकाउंट बोलो या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के रिवाइज लिख सकते हो। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इज 18,30,000। सौरभ बेटा बाद में आप रिकॉर्डेड देख लेना जितना मिस हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या क्या प्रोवाइडेड नहीं है। सबसे पहली चीज इन्होंने प्रोवाइड नहीं किया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस टोटली 1,80,000। कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था वन लैख 80,000 बराबर। इसके अलावा प्रीपेड इंश्योरेंस था 20,000। डन। अब बताओ करेक्ट प्रॉफिट कितना है। बोलो यहां तक डन सबका। तो 15 मिनट एक्स्ट्रा वेट कर लो, 10:30 के बजाय 10:45 को चले जाना। एक सम और रहेगा इसके बाद, छोटा सम है वो भी इसकी तरह, तुरंत खत्म हो जाएगा। चलो डन है। एवरीबडी डन टिल हियर। आ जाओ बैलेंस शीट बनाते हैं। देखो बैलेंस शीट में उन्होंने जो बैलेंस शीट प्रोवाइड की है उसके बेसिस पर ही हमें नई बैलेंस शीट बनानी है। बराबर। आ जाओ बैलेंस शीट में क्या दिया था उन्होंने। सबसे पहले देखो ट्रेड पेएबल 15 लाख रुपए बराबर है। तो हम लोग हम क्या करेंगे, आ जाओ यहाँ पर।
ट्रेड पेबल 15 लाख, बराबर है। बट मैं 15 लाख लिखूंगा क्या? नहीं, मेरे पास नया वैल्यू है ट्रेड पेबल का। नया वैल्यू कितना है ट्रेड पेबल का? देखो, करंट लाइबिलिटीज ट्रेड पेबल 11,40,000, हम सीधा बैलेंस शीट बनाते हैं। काम करो, लिखो सबसे पहले कैपिटल, चार लाइन छोड़ के लिखता हूँ, ट्रेड पेबल 11,40,000, ठीक है, ये आ गया ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल के बाद अगला आइटम क्या है इनके पास? एक्सपेंस पेबल। देखो, यानी के आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अभी हमने रेक्टिफाई किया और रिकॉर्ड कर लिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,80,000 के, बराबर। नए वाले आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बराबर, ये भी रिकॉर्ड कर लिया। इसके बजाय हमने क्या रिकॉर्ड किया? 1,80,000 के नए। और कहीं पे कुछ दिख रहा है क्या? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है यहाँ पे? प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, जिसके ऊपर डिप्रिसिएशन कितना लगाया था इन्होंने? 10%। फर्नीचर फिक्सचर पे 5%। तीस लाख, 3 लाख, यार अलग बीमारी इसकी। प्लांट एंड मशीनरी 30 लाख, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख, यानी कि हो जाएगा आपका 27 लाख, दो लाख 70,000, क्लियर। तो ये दोनों चीज़ें रिकॉर्ड हो गई डिप्रिसिएशन के साथ। अब ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख के बजाय नया वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे, ट्रेड पेबल हो चुका था, ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख, डन। कैश एट बैंक 10,35,000, इस पे आओ, सॉरी 5% है, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, यानी कि 15,000
लगड़ी 5000 बराबर। डन सर। आगे बढ़ते हैं। क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड कर ली हमने? कैश एट बैंक भी रिकॉर्ड हो गया है। इन्वेंट्री रिकॉर्ड करना है। इन्वेंट्री देखते हैं कितना है। नया इन्वेंट्री, नया इन्वेंट्री, ये डन है। इसका काम, इसका काम पेंडिंग है सर। प्रीपेड इंश्योरेंस है 20,000 का। कैश एट बैंक 10,35,000 आ गया। इन्वेंट्री है 14,50,000। प्रीपेड इंश्योरेंस 20,000। 5% आरडीडी भी है। कहाँ है? आरडीडी भी है 20 लाख पे। यस आई फॉरगॉट दैट। वो भी रिकॉर्ड करना है 20 लाख पे आरडीडी। इसको काम करते हैं, इसको कट कर देता हूँ। ट्रेड रिसीवेबल आरडीडी एट ये वाला, हाँ 5%। अनलैक नाइनटीन लैक्स बराबर। फिर 6 लैक्स ड्रॉइंग्स, सिक्स लैक्स कैपिटल कितना हो तो देखो 50 लाख। नेट प्रॉफिट कितना कैलकुलेट किया था हमने अभी? 16,17,000। बाकी तो क्लियर। 73,90,000 ये टैली। ये टैली डन। बोलो क्लियर। थोड़ा सा अलग सम है, थोड़ा सा सम अलग है बट इम्पोर्टेंट है। ऐसे एग्जाम में ट्विस्टेड सम्स एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। डिवीजन करने वाले हैं उस रिवीजन में कुछ खास खास सम्स होंगे। पचास लाख माइनस 6 लाख प्लस 16,70,000 सर। सिक्सटी लैख 70,000। डन 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 डन।
लास्ट प्रॉब्लम ऑन सोल प्रोप्रेटर फाइनल अकाउंट्स, लास्ट एकदम लास्ट। ये वाला सब आपका एक्चुअली अक्रूअल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। नहीं और दो क्वेश्चन पढ़नी है फिर, दो और चार, दो चार पाँच, अच्छा तीन क्वेश्चन पेंडिंग है, दो चार पाँच, ठीक है। तो एक काम करते हैं, कल ये चैप्टर खत्म कर देंगे, थर्टीन बोला समझाते तो। थर्टीन वाला क्वेश्चन समझो क्या है। क्रिम्सन्स लिमिटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड इंक्लूड्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें उनके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, ठीक है। इनका सवाल ये है कि स्टेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम 1 to 6 अबव आर आइदर ट्रांसफर ऑफ प्रोविजन, ट्रांसफर टू रिजर्व, नाइदर रिलेटेड टू प्रोविजन नॉर रिजर्व। देखो प्रोविजन का मतलब आपको मालूम है, नॉन फ्यूचर एक्सपेंस और लॉस, ठीक। रिजर्व यानी के सेविंग्स, और दोनों से रिलेटेड जो नहीं है वो, बराबर ध्यान से सुनो। सबसे पहले डेप्रिसिएशन की बात करें, अगर डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन इज लाइक अ प्रोविजन फॉर यू, डेप्रिसिएशन इज लाइक अ प्रोविजन, क्योंकि इससे प्रोविजन बनता है। याद है सबको डेप्रिसिएशन का बेसिक्स मैंने पढ़ाया था पापा, हम लोग जितना एसेट का आपका अमाउंट होता है उतना उतना अमाउंट थोड़ा थोड़ा बिजनेस में साइड में गिरता जाता है, साइड में पड़ता जाता है, ताकि क्यों है डेप्रिसिएशन, ताकि आप उतना पैसा आपके बिजनेस में बना रहे कैपिटल उतना, और जब नया मशीन लेने की बारी आएगी तो नया मशीन लेने के लिए आपके पास अमाउंट रेडी हो, बस इसीलिए। तो डेप्रिसिएशन आपका प्रोविजन है एक प्रकार से, क्या है एक प्रकार से प्रोविजन है, क्लियर। इसके बाद दूसरा है आपका बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, तो बैड डेट्स इट इज नाइदर प्रोविजन नॉर रिजर्व, वो तो पूरा ही लॉस है ना आपका। इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स नाम में ही समझ में आता है, वो प्रोविजन है आपका, बराबर। प्रपोज्ड डिविडेंड, अगेन प्रपोज्ड डिविडेंड इज योर अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, मतलब हो गया प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रॉफिट आप देने वाले हो ये, तो ये रिजर्व नहीं है, ये आप साइड में बचा के थोड़ी रख रहे हो पैसा, ये डिविडेंड का पैसा देना है, जो देने वाला पैसा है वो, समझ में आ रहा है। तो ये एक प्रकार से आपकी लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं हम लोग, मतलब प्रॉफिट में से पैसा साइड में निकाला है और ये आपको पे करना है, फिक्स है। रिटेन्ड प्रॉफिट आपके रिजर्व्स है, ट्रांसफर टू रिजर्व्स, लाइबिलिटी टैक्स अगेन ये आपका प्रोविजन है, क्या है ये प्रोविजन। क्लियर, डन, ठीक है। तो बाकी मेरे ख्याल से तीन सम्स पेंडिंग है अभी, अपने तीन सम पेंडिंग चल रहे हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर्स देख लेते हैं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही है सारे, छोटे छोटे ही एक्चुअली, 15-15, 20-20 मिनट के ही सम्स है। यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर टू इट विल हार्डली टेक 15 मिनट्स। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर थ्री तो होमवर्क था, वो तो डन बोलो।
कोटरीवाल बिजनेस एंगेज इन मैगजीन प्रिंसिपल एम्प्लॉय। हाँ ये वाला, हाँ ठीक है बढ़िया। हाँ यस 15 मिनट्स, मेरे ख्याल से 1 घंटे में हो जाएगा ये। ठीक है बस अब कल करते, देखो मुस्कान थक गई है, अभी घूमने जाना है, बोलो ना। बैड डेट्स लॉस है ना प्रभात, तो वो प्रोविजन और रिजर्व का मतलब क्या है, हम पैसा थोड़ा साइड में निकाल के रख रहे हैं, बट बैड डेट्स तो डूब चुका है, उसको साइड में क्या निकालेंगे, बराबर है। ओके यस विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। विल बी मीटिंग टुमोरो एट द सेम टाइम इन द मॉर्निंग 8 o'clock। टिल देन एवरीवन थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, एंजॉय। वीडियो पसंद आया लाइक करने का, लेक्चर के बाद कमेंट करने का। सी यू टुमोरो इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। बाय बाय एवरीवन, एंजॉय। चलेगा सुषमा जी, ओके म्याड़ भागो यहाँ से। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बाय 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 बाय। बॉय बॉय ठीक है चलो, थैंक यू थैंक यू। सी यू गाइस टुमारो। बाय 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 बाय।